जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर डॉट कॉम के लर्न थ्री थाउजेंड इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेज थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर चौंतीस में इस पार्ट में हम इंग्लिश के मज़ीद पचास वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। वर्ड है जी टाइप सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पिज्ज़ा पिज़्ज़ा की काफ़ी किस्में होती हैं तो टाइप का मतलब है किस्म सेंटेंस बनाया देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा इसके अलावा टाइप जो हम टाइपिंग करते हैं टाइपराइटर से कंप्यूटर पे उसको भी टाइप करना कहते हैं वर्ड है जी टिपिकल सेंटेंस बनाते हैं इट्स टिपिकल ऑफ यू अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप कह सकते हैं इट्स टिपिकल ऑफ यू कि ये बिल्कुल तुम अपने ही जैसे हो तो टिपिकल होता है जो कि कोई खास चीज हो जो किसी से हम मंसूब कर सकें सेंटेंस बनाया हमने इट्स टिपिकल ऑफ यू वर्ड है जी टिपिकली सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए जिसे हम कह सकते हैं यू आर एक्टिंग लाइक टिपिकली देसी खास तौर पर जब बाहर के देशों में बाहर के मुल्कों में लोग अजीब वरीब हरकत करें खासतौर तो पर इंडिया और पाकिस्तान के तो हम कह सकते हैं यू आर एक्टिंग लाइक टिपिकली देसी कि आप एक ख़ास जो देसी होते हैं ना उसकी तरह की हरकतें कर रहे हैं आम तौर तो पर जो भी देसी हरकतें करते हैं तो टिपिकली का मतलब होता है आम तो पर सेंटेंस बनाया यू आर एक्टिंग लाइक टिपिकली देसी वर्ड है जी अगली सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए पेंटिंग इज अगली जो पेंटिंग है वो बहुत बदसूरत है तो अगली का मतलब होता है बदसूरत सेंटेंस बनाया द पेंटिंग इज अगली वर्ड है जी अल्टीमेट जिसका हम कह सकते हैं अल्टीमेट एम इज़ टू बिकम द बेस्ट यूट्यूबर के उसका जो आखिरी एम है सबसे आखिरी वाला जो उसका एम है वो बेस्ट यूट्यूबर बनना है तो अल्टीमेट होता है आखिरी सबसे आखिरी वाला तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया हिज अल्टीमेट एम इज़ टू बिकम द बेस्ट यूट्यूबर वर्ड है जी अल्टीमेटली वी विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल हम आखिर आखिरकार आखिर तौर पे आखिरकार कामयाब होंगे तो अल्टीमेटली होते आखिरी में आखिर में एंड में फिनिश में सेंटेंस बनाया वी विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल वर्ड है जी अनेबल सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए आई एम अनएबल टू कम टू ऑफिस मैं आज ऑफिस आने से नहीं आ सकता मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता अनएबल का मतलब होता है नहीं कर सकता नहीं हो सकता एबल का ऑपोजिट है अनएबल एबल का मतलब होता है करना कर सकते होना जबकि अनएबल का मतलब है ना करना ना कर सकते होना सेंटेंस बनाया आई एम अनएबल टू कम टू ऑफिस वर्ड है जी अंकल सेंटेंस बनाते हैं ही इज़ माई अंकल वो मेरे अंकल हैं वो मेरे मामू हैं वो मेरे चचा हैं तो अंकल मामू चचा या कोई भी अंकल हो उसको कह सकते हैं सेंटेंस बनाया ही इज माई अंकल वर्ड है जी अंडर सेंटेंस बनाते हैं वट्स अंडर द बेड बिस्तर के नीचे क्या है तो अंडर का मतलब है नीचे सेंटेंस बनाया बेड वर्ड है जी अंडर गो सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए ही इज अंडरगोइंग चेंज कि उसमें तब्दीली आ रही है अंडर गो का मतलब है इस वक्त गुजरना गुजर रहा है वो एक तब्दीली से गुजर रहा है तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज अंडर गोइंग अ चेंज वर्ड है जी अंडरस्टैंड सेंटेंस बनाते हैं डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश क्या आपको अंग्रेजी समझ आती है तो अंडरस्टैंड का मतलब है समझ आना समझना सेंटेंस बनाया Do you understand English? वर्ड है जी, understanding. Sentence बनाते हैं meaning समझने के लिए. According to my understanding, it will not work. ऐसा कर लेते हैं. It doesn't work. लाइक इट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस तरह काम नहीं करता तो अंडरस्टैंडिंग होती है समझ यानी कि मेरी समझ आपकी समझ सेंटेंस बनाया अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग इट डजेंट वर्क लाइक दिस वर्ड है जी अनफॉर्चुनेटली सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए आए सब कर लेते हैं ही अनफॉर्चुनेटली फेल्ड द एग्ज़ाम बदकिस्मती से उसने एग्जाम को फेल कर दिया वो एग्ज़ाम में फेल हो गया तो अनफॉर्चुनेटली होता है बदकिस्मती से फॉर्चुनेट Fortunate, किस्मत फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से तो हमने सेंटेंस बनाया ही अनफॉर्चुनेटली फेल्ड द एग्ज़ाम वर्ड है जी यूनिफॉर्म सेंटेंस बनाते हैं द इस कर देते हैं द पुलिस मैन इज वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म पुलिस का सपाही अपना यूनिफॉर्म पहने हुए है तो यूनिफॉर्म होता है जो ख़ास किस्म का लबास पहनते हैं जिस तरह आर्मी के लोग पुलिस के लोग कस्टम्स के लोग यहां पर हमने सेंटेंस बनाया द पोलिस मैन इज वेरिंग हिज यूनिफॉर्म वर्ड हिज ई यूनियन अब यूनियन डिफरेंट मीनिंग में यूज हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू अटेंड द एनुअल वो होगा री यूनियन सॉरी हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू अटेंड द आई एम गोइंग टू जॉइन आई एम गोइंग टू जॉइन द लेबर यूनियन के मैं जो मज़दूरों की यूनियन है मज़दूरों की जमात है उसको जॉइन करने जा रहा हूँ या करूँगा तो यूनियन होता है इकट्ठा होना या इकट्ठे होकर जो एक चीज़ बनती है उसको यूनियन कहते हैं सेंटेंस बनाया हमने आई एम गोइंग टू ज्वाइन द लेबर यूनियन वर्ड है जी यूनिक सेंटेंस बनाते हैं दिस पेंटिंग इज वेरी यूनिक कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत यूनिक है ये अपनी ही एक किस्म की पेंटिंग है तो यूनिक होता है जिसकी अपनी ही एक किस्म हो वन ऑफ द काइंड तो सेंटेंस हमने बनाया दिस पेंटिंग इज वेरी यूनिक वर्ड है जी यूनिट अब यूनिट के भी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं जैसे हम कह सकते हैं वी नीड टू पेंट दिस बिल्डिंग यूनिट जिसमें कोई फैक्ट्री हो उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हों, तो हर बिल्डिंग के एक बिल्डिंग को हम यूनिट कहेंगे और यहां पे हम कह रहे हैं वी नीड टू पेंट दिस बिल्डिंग यूनिट तो यूनिट होता है एक हिस्सा मैथमेटिक्स में भी यूनिट्स होते हैं यहां पे हमने सेंटेंस बनाया वी नीड टू पेंट दिस बिल्डिंग यूनिट वर्ड आ गया जी यूनाइटेड वी आर यूनाइटेड हम एक साथ हैं तो यूनाइटेड होते हैं इकट्ठे एक साथ सेंटेंस बनाया वी आर यूनाइटेड वर्ड है जी यूनिवर्सल सेंटेंस बनाते हैं इट्स अ यूनिवर्सल ऐसा कर देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग इज अ यूनिवर्सल फिनो मना जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो पूरी दुनिया में हो रही है ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया में गर्माइश हो रही है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है यानी कि वो पूरी दुनिया में हो रहा है एक चीज़ को यूनिवर्सली हो रही हो या यूनिवर्सल फिनोमेना उस फिनोमेना को कहते हैं जो पूरी कायनात में हो रहा हो या दुनिया में हो रहा हो तो यूनिवर्स वैसे तो कायनात को कहते हैं यूनिवर्सल कायनात से रिलेटेड चीज़ लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सल उस चीज़ को कहते हैं जो एक सोसाइटी में एक देश में एक मुल्क में या फिर पूरी दुनिया में कोई प्रैक्टिस हो रही हो तो हम उसे यूनिवर्सल प्रैक्टिस कह सकते हैं या कोई भी फिनोमेना हो रहा हो जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना वर्ड है जी यूनिवर्स सेंटेंस बना सकते हैं देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स कि हमारी यूनिवर्स में हमारी कायनात में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं तो यूनिवर्स होती है कायनात सेंटेंस बनाया देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स वर्ड है जी यूनिवर्सिटी सेंटेंस बनाते हैं आई एम टीचिंग एट यूनिवर्सिटी मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी बड़े पढ़, 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 पढ़ने पढ़ाने वाले अदारे को कहते हैं जिस तरह होता है स्कूल स्कूल के बाद कॉलेज कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर जहाँ पे आप मास्टर्स की डिग्री और पी की डिग्री करते हैं यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई एम टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी वर्ड है जी अनोन सेंटेंस बनाते हैं ही डाइड ऑफ एन अन डिजीज वो एक ऐसी बीमारी से मरा जिसके बारे में हम नहीं जानते तो नो का मतलब होता है जानना या नोन का मतलब होता है जो चीज़ जान जानी जा चुकी हो और अन नोन का मतलब जिस चीज़ के बारे में हम ना जानते हों हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया ही डाइड ऑफ एन अन नोन डिजीज वो एक ना जानने वाली बीमारी से मरा वर्ड है जी अनलेस सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए आई विल गो देयर अनलेस ही कम्स ऐसा कर देते हैं आई विल नॉट गो देयर अनलेस ही कम्स मैं वहां नहीं जाऊंगा अनलेस वो यहां पर आए ठीक है जी इसका मतलब ये है कि अगर तो वो यहाँ पे आया तो मैं चला जाऊँगा वरना मैं नहीं जाऊँगा तो अनलेस का मतलब होता है आ, कि मतलब वो चीज़ ना मतलब जब तक वो चीज़ ना हो ठीक है जी जब तक ना हो यहाँ पे हमने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जब तक वो यहाँ ना आए आई विल नॉट गो देयर अनलेस ही कम्स हेयर ऐसा कर देते हैं नेक्स्ट वर्ड है जी अनलाइक जिसका हम कह सकते हैं अनलाइक यू ऐसा कर देते हैं आई हेल्प पीपल अनलाइक यू मैं लोगों की मदद करता हूं अनलाइक यू जिसके मतलब आप लोगों की मदद नहीं करते और मैं लोगों की मदद करता हूँ तो अनलाइक होता है मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन आपके मुखाल आप ये नहीं करते जबकि मैं ये करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया आई हेल्प पीपल अनलाइक यू वर्ड आ गया जी अनलाइकली सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए इट्स अनलाइकली going टू हैपन कि इस चीज़ का होने का इम्कान कम है तो अनलाइकली होते है जिस चीज़ का इम्कान कम हो जो चीज़ ना होनी हो बहुत मुश्किल से होनी हो सेंटेंस बनाया इट्स अनलाइकली गोइंग टू हैपन अनटिल सेंटेंस बनाते हैं I will wait until he comes. मैं उस वक्त तक इंतज़ार करूंगा उसके यानी कि इसका मतलब ये कि मैं उसके आने का इंतज़ार करूंगा मैं इंतज़ार करूँगा जब तक वो आएगा तो अनटिल का मतलब होता है जब तक सेंटेंस बनाया आई wait अनटिल ही कम्स या अनटिल यू आर फिनिश्ड वर्ड है जी अनयूजल सेंटेंस बनाते हैं इट्स अनयूजुअल। ये गैर मामूली चीज़ है तो अनयूजुअल होता है गैर मामूली यूजुअल होता है जो आप आ, आम चल रही हो चीज़ अनयूजुअल होगा गैर मामूली जो कोई गैर मामूली एक्शन ले ले, अनयूजुअल एक्शन हो गया यहां पे हमने सिंपल सा से सेंटेंस बनाया इट्स अनयूजुअल वर्ड इज ई अप जैसा हम कहते हैं व्हाट्सअप के कैसा चल रहा है वैसे तो अप का मतलब होता है ऊपर लेकिन यहां पे हमने सेंटेंस बनाया व्हाट्सअप जिसका मतलब है हाउ आर यू हाउ इज इट गोइंग कैसा चल रहा है, है जी, upon. बनाते हैं. अगर आपने एक दफा का जिक्र है एक बादशाह था और आगे कहानी शुरू होती है तो अपॉन का मतलब है मतलब इस सूरत में के वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है दफा तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया वंस अपॉन अ टाइम देअ वॉज अपर सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए आई लिव ऑन द अपर फ्लोर अब आ, मेरा दोस्त जो है वो नीचे के फ्लोर पे रहते हैं और मैं उसके ऊपर के फ्लोर पे रहता हूं अप से अपर यानी कि एक लेवल ऊपर एक से उससे ज्यादा ऊपर ठीक है जी अपर का मतलब है उससे ऊपर तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई लिव ऑन द अपर फ्लोर मैं ऊपर के फ्लोर पर रहता हूं अर्बन सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए द अर्बन लेते द अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग जो शहरों की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है तो अर्बन होता है शहरी शहर से रिलेटेड सेंटेंस बनाया द अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग वर्ड है जी अर्ज सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए आई हैव आ सडन अर्ज ऑफ टी कि मुझे एकदम चाय पीने का दिल चाह रहा है तो अर्ज होता है जो हमारा दिल चाहता है अर्ज होती है चॉकलेट खाने की अर्ज मीठा खाने की अर्ज ठीक है जी एकदम जो आपको आता है यार मीठा खाया जाए चॉकलेट खाई जाए चाय पी जाए सेंटेंस बनाया आई हैव अडन अर्ज ऑफ टी वर्ड हैज कम विद अस हमारे साथ आओ तो अस का मतलब होता है हमारे हम सेंटेंस बनाया कम विद अस वर्ड है जी यूज़ हम कह सकते हैं डोंट यूज़ माई लैपटॉप के मेरा लैपटॉप इस्तेमाल ना करो तो यूज का मतलब होता है इस्तेमाल सेंटेंस बनाया डोंट यूज माय लैपटॉप वर्ड है जी यूज्ड सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए जिसे हम कह सकते हैं ही डील्स इन यूज्ड कार्स कि वो पुरानी गाड़ियों का यूज्ड कार्स का कारोबार करते हैं तो यूज्ड का मतलब होता है जो चीज़ इस्तेमाल हो चुकी हो और ये पास्ट में यूज की भी सेकंड फॉर्म है यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया ही डील्स इन यूज्ड कार्स वर्ड है जी यूजफुल सेंटेंस बनाते हैं इट्स अज़फुल मशीन ये एक इस्तेमाल होने वाली मशीन है जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है तो यूज़फुल होती है जो कारमद चीज़ हो जिसको इस्तेमाल किया जा सकता हो सेंटेंस बनाया इट्स अ यूज़फुल मशीन वर्ड है जी यूज़र द यूज़र ऑफ देश इस तरह कह देते हैं द यूजर्स ऑफ दिस वेबसाइट आर वेल एजुकेटेड जो लोग इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल करने वाले वो पढ़े लिखे हैं तो यूज़र होता है इस्तेमाल करने वाला कोई भी सर्विस को इस्तेमाल करने वाला या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले को आप यूजर कहते हैं जिस तरह में हम एंड यूजर्स का बहुत जिक्र करते हैं जिसा हम सब लोग एंड यूजर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया द यूजर्स ऑफ दिस वेबसाइट आर वेल एजुकेटेड वर्ड है जी यूजअल जिस हम कह सकते हैं इट्स अ यूजअल प्रैक्टिस इन दिस इंडस्ट्री आप कहें और उसने तो वहाँ जाके लोगों को वो अपने साथ मिला रहा है तो आप कहेंगे इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस इन दिस इंडस्ट्री कि ये इस इंडस्ट्री में एक आम सी बात है लोग करते हैं ये तो यूजुअल होता है आमतौर पर आम सी बात जो आमतौर पे होती हो सेंटेंस बनाया इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस इन दिस इंडस्ट्री वर्ड है जी Usually, usually I don't go to the clubs. आमतौर पे मैं clubs नहीं जाता हूँ। तो usually होता है आमतौर पे sentence बनाया. Usually I don't go to the clubs. Word एजी utility अब यूटिलिटी भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है uh, जिस तरह हम कह सकते हैं आई डिडेंट नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ दिस एक्सरसाइजिंग मशीन कि मुझे इस वर्जिश करने वाली मशीन की अफादियत का नहीं पता था तो यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब है अफादियत के उसके क्या फ़ायदे होते हैं क्या कि किसी चीज़ का क्या फ़ायदा है अफादियत या फ़ायदे को हम यूटिलिटी कहेंगे सेंटेंस बनाया आई डिट नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ दिस एक्सरसाइजिंग मशीन इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ होती हैं जिस तरह बिजली पानी गैस ये पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं यूटिलिटी बिल्स आते हैं यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं ठीक है जी जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं स्टोर्स। वर्ड है जी vacation. हम कह सकते हैं आई एंजॉयड माई वेकेशंस कि मैंने अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया और पिछले एक हफ्ते से मैं छुट्टी पे था इसलिए मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता था तो वेकेशन का मतलब है छुट्टी सेंटेंस बनाया आई एन्जॉयड माई वेकेशंस वर्ड जी वैली सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए ये संघ से कोई भी वैली होगी ए बी सी इज वैली कि ए बी सी जो है वो खूबसूरत वैली है तो वैली उस जगह को कहते हैं जिसके तर चारों तरफ पहाड़ हों और दरमियान में एक फ्लैट सरफेस हो तो उस चीज़ को वैली कहते हैं जिसे हमने कहा ए बी सी इज़ अ ब्यूटीफुल वैली वर्ड है जी वैल्यूएबल सेंटेंस बनाते हैं थैंक यू फॉर यूर वैल्यूएबल सजेशन्स आपने मुझे कोई कॉमेंट्स के अंदर सजेशंस दी कि मैं अपने टूटोरियल्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैंने आपको जवाब दिया थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन्स कि आपकी कारद जो वैल्यूएबल हैं सजेशंस कार आमद या फिर उनकी जो वैल्यू है उनके लिए थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया वैल्यूएबल होते किसी चीज की जो जो भी कोई चीज हो जो कीमती हो ठीक है उसको वैल्यूएबल कहेंगे जिसकी कोई कीमत हो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस वर्ड है जी वैल्यू सेंटेंस बनाते हैं व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लेट्स सपोज दिस वॉच कि इस घड़ी की कितनी कीमत है इस घड़ी की क्या कीमत है तो वैल्यू होती है कीमत कि इसकी क्या वैल्यू है इसके अलावा हमारी मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं कल्चरल वैल्यूज़ भी होती हैं ठीक है ठीके? उस भी मीनिंग में भी आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमने कीमत की सेंस में यूज़ किया है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ़ दिस वॉच वर्ड है जी वेरिएबल सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए जैसा हम कह सकते हैं द हाउस प्राइसेस आर हाईली वेरिएबल के जो घरों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गैर मुस्तकिल हैं एक होता है फ़िक्स्ड जो फिक्स चीज़ होती है एक होती है चेंज होती रहती है जो चीज़ कोई वैल्यू चेंज होती रहती है या कीमतें चेंज होती रहती हैं तो उनको फिर हम वेरिएबल कहते हैं जो गैर मुस्तकिल हों तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया द हाउस प्राइसिस आर हाईली वेरिएबल वर्ड है जी वेरिएशन सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए The, इस कर लेते हैं देयर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ ब्लू कलर के नीले नीले रंग के बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन हैं डिफरेंट छोटी छोटी सी किस्में हैं जिसमें लाइट ब्लू डार्क ब्लू ट्रकॉयस और इस तरह के जो कलर्स हैं ब्लू के तो उसमें वेरिएशन है उनमें छोटी छोटे चेंजेस हैं तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया देर आर मैनी वेरिएशन ऑफ़ ब्लू कलर वर्ड है जी वेराइटी सेंटेंस बनाते हैं वी हैव कर देता हूँ वी हैव अवज वेराइटी ऑफ लेट सपोज लेडीज क्लोथ्स कि हमारी कपड़ों की दुकान है और मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो खातन के कपड़े की बहुत बड़ी वैरायटी है बहुत ज़्यादा हैं वो डिफरेंट किस्में हैं तो वैरायटी होती है एक किस्म सेंटेंस बनाया वी हैव अवज वैरायटी ऑफ लेडीज क्लोथ्स वर्ड है जी वेरियस सेंटेंस बनाते हैं देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस के माल्टे माल्टों की डिफरेंट किस्में होती हैं वेरियस किस्में होती हैं मुख्तलिफ किस्में होती हैं तो वेरियस का मतलब है मुक्तलिफ. और यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस वर्ड है जी वेरी सेंटेंस बनाते हैं माई ओपिनियन मे वेरी विद योर थिंकिंग के जो मेरा ओपिनियन है वो आपकी सोच से अलग हो सकता है तो वेरी का मतलब है अलग मतलब चेंज होना थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना वेरी उसी से वेरिएशन निकला है यहां पे हमने सेंटेंस बनाया माय ओपिनियन में वेरी विद योर थिंकिंग वास्ट सेंटेंस बनाते हैं आई हैव वास्ट ब डवेलपमेंट एक्सपीरियंस कि आप अपना कोई सी वी सी वी बना रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आई हैव अ वास्ट वेब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कि मेरे पास वेब डिवेलपमेंट का बहुत वसी तजर्बा है तो वास्ट का मतलब होता है वसी बहुत बड़ा और यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया आई हैव अ वास्ट वेब डिवेलपमेंट एक्सपीरियंस तो गाइज़ एंड गर्ल्स थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को लाइक करें नीचे अप का जो बटन है लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई डॉट कॉम को विज़िट करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में अंटिल टेन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग Good day.